बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी कि बेसिकली विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है पूरा का पूरा चैप्टर। और इस पूरा ही चैप्टर को एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं, यानी कि वन शॉट वीडियो है और बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर देखो वीडियो देखने के बाद चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये हमारी आईडी है, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो जेएसके 12 क्लास। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना देरी करते। जैसा कि चैप्टर का नाम है विजयनगर, एक साम्राज्य राजधानी, तो सबसे पहले विजयनगर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है विजय का शहर, अर्थात विजय का शहर। ठीक है, चलिए देखो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं उस समय के, जब ये विजयनगर जिस काल की हम बात कर रहे हैं, ये उस काल की एक आकाश के द्वारा ली गई फोटो है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है आपकी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य जब अपने काल पे था तो ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध रहा था, जिसकी स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर 1336 में इसकी स्थापना की थी, और लगभग 1500-1600 के आसपास ये विघटित भी हो गया। ये साम्राज्य उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था, यानी कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ये फैला हुआ था। ठीक, 1565 में यहाँ पे एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है तालीकोटा। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो राक्षसी तागड़ी युद्ध भी कह सकते हो। तो इस युद्ध की वजह से ये जो साम्राज्य था वो एक तरीके से पतन हो गया, ये पूरी तरीके से, ये जो विजयनगर था वो उजड़ गया था, क्योंकि जिन्होंने हमला किया था उन्होंने इसे लूट के तोड़ फोड़ दिया था एक तरह से। तो इसकी स्थापना तो दो भाइयों ने मिलकर की, किसने? हरिहर और बुक्का नामक इन दो भाइयों ने, और ये तकरीबन उत्तर में भी था और दक्षिण भारत में भी फैला हुआ था। लेकिन 1565 में यहाँ पे एक आक्रमण होता है, राक्षसी तागड़ी युद्ध या तालीकोटा कह सकते हो, ये युद्ध होता है और इसके बाद ये उजड़ जाता है। बेसिकली 17 से 18वीं शताब्दी तक पूरी तरह से ये नष्ट हो चुका था, यानी कि 1565 से इसकी शुरुआत हो गई थी नष्ट होने की, और लगभग 17वीं या 18वीं शताब्दी तक पूरी तरीके से ये नष्ट हो गया था। इसके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ जो वहां के अवशेष बच्चे हैं उन्हीं से पता चला है। ठीक है, फिर भी कृष्ण और तुंगभद्रा दुआब क्षेत्र के निवासियों की यादों में जीवित आए, अर्थात देखो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों को वहां पे मार दिया गया हो, नहीं, अभी भी वहां के जो कुछ लोग रहा करते थे वो अन्य भारत के क्षेत्रों में फैल गए, और उनके जो पूर्वजों ने उनके बेटे से बेटे बेटे को जो कहानियां सुनाई हैं उन्हीं कहानी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य आज भी कृष्ण और तुंगभद्रा दुआब के जो निवासी हुआ करते थे उनकी यादों में अभी भी बसा हुआ है। इसे हम्पी कहा गया। अब ये हम्पी क्या है? हम्पी बेसिकली वहां की स्थानीय मातृदेवी हुआ करती थी, कहा कि विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य को यादों में याद रखने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हम्पी का। हम्पी का शाब्दिक अर्थ होता है विजयनगर साम्राज्य की मात देवी, पंपा देवी। ठीक है, बेसिकली विद्वानों ने खोज के दौरान मौखिक परंपरा, यानी कि जो कहानियों ने बताई गई हैं, जो बातों ने बताई गई उसके आधार पे, और कुछ यात्रियों के यात्रा वृतांत, जैसे कि अब्दुल रज्जाक है, यात्री बरगोसा है, और भी एक दो हैं यात्रा वृतांत, उनके माध्यम से किया है सर्वेक्षण मानचित्र के द्वारा इसके इतिहास को पुनर्रचना करने की सहायता की है। तो बेसिकली विजयनगर साम्राज्य का ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है। स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक फैला हुआ था, 1565 में आक्रमण होता है और ये टूटने लगता है, पूरी तरीके से 17वीं 18वीं में खत्म हो जाता है, और फिर भी इसे लोग यादों में याद रखने के लिए हम्पी शब्द का उपयोग करते हैं, जिसको कि स्थानीय माता देवी पंपा देवी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये समझो आखिर ये विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी खोज कैसे हुई, हमें कैसे पता चला कि हाँ उत्तर भारत में या फिर दक्षिण भारत में ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे कोई साम्राज्य रहा होगा, तो यानी कि हम्पी की खोज की हम बात करें। तो हम्पी की खोज में सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कॉलिन मैकेंजी की। ये कौन थे? तो कॉलिन मैकेंजी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक इमेज दी गई है। ये कॉलिन मैकेंजी है जो रेड शर्ट पहने हुए हैं और व्हाइट पैंट, और ये जो उनके साथ में है तीन लोग क्योंकि व्हाइट कलर के इन्होंने वस्त्र धारण किए हुए, ये इनके सहायक हैं। तो 1800 ईस्वी में, यानी कि सन 1800 में, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने वाले एक अभियंता यानी कि एक इंजीनियर कॉलिन मैकेंजी ने
विजयनगर साम्राज्य का एक मानचित्र तैयार किया, ठीक है, एक ऐसा मानचित्र जिससे समझा जा सके कि विजयनगर साम्राज्य में कहाँ पे राजा का महल हुआ करता था, किलेबंदी कैसी हुआ करती थी, एक तरीके से ऐसा मानचित्र जिससे उस क्षेत्र का जो एरिया है उसको आप इजीली समझ सको, ठीक है। इन्होंने क्या किया, विरूपाक्ष और पंपादेवी, पंपादेवी क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय माता है, ठीक है, और विरूपाक्ष क्या है, ये आगे चल के हम विट्ठल और विरूपाक्ष मंदिर इन दोनों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विरूपाक्ष और पंपादेवी के मंदिर के जो पुरोहित थे उनसे जानकारी प्राप्त की मौखिक रूप में, अन्य जो साहित्यिक स्रोत थे उनके आधार पर भी इन्होंने एक मानचित्र तैयार किया, ठीक है। जब मानचित्र तैयार कर दिया तब इसके पश्चात आए अभिलेखकर्ता, अभिलेखकर्ता यानी कि अभिलेखों के माध्यम से इतिहास की रचना करने वाले। तो 1836 ईस्वी में अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के अभिलेखों को एकत्र किया, जो अभिलेखों ने मिले हैं हम्पी से संबंधित और जो यात्रा वृत्तांत मिले उनको पढ़ने के बाद इन्होंने इसकी रचना की, ठीक है। फिर आए छाया चित्रकार, ये क्या होते हैं, तो बेसिकली जब कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, कोई बड़ी इमारत नष्ट हो जाती है, तो इतिहास में वो कैसी रही होगी ये डिसाइड करते हैं ये छाया चित्रकार। तो 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने हम्पी के बचे जो भवन थे उनके छाया चित्र खींच कर उनका संकलन किया, जिसका अध्ययन शोध कर पाए और उन्हें जानकारी एकत्र कर पाए, यानी कि ये जो छाया चित्रकार आए इन्होंने जो नष्ट हो चुकी वो इमारत और जो थोड़ी बहुत बची हुई थी भूतकाल में वो कैसी थी इसका एक छाया चित्र बनाया और उसे शोध करता, यानी कि जो इतिहासकार इसका निर्माण कर रहे थे साम्राज्य के इतिहास का उनको दिया, उन्होंने इसे देखा और इस आधार पर उन्होंने निर्माण। फिर सबसे आखिरी में आ जाते हैं वही व्यक्ति जो इतिहासकार है। तो देखो इतिहासकारों ने क्या किया, ये जो उपरोक्त तीनों चीजें हैं कौन कौन सी, पॉलिन मैकेंजी के द्वारा मानचित्र बनाया गया मानचित्र, अभिलेखकर्ताओं के द्वारा किए अभिलेखों से एकत्र की गई जानकारी, छाया चित्रकारों के द्वारा दिए गए छाया चित्र, इन सभी के माध्यम से एवं विदेशी यात्रियों के द्वारा छोड़े गए जो यात्रा वृत्तांत है, जैसे कि अब्दुल रज्जा के यात्री बरबोसा है, द्योमंदो पेश है, इनके यात्रा वृत्तांतों से एवं तेलुगु कन्नड़ तमिल संस्कृत ऐसी भाषाओं में विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो भी उन्हें जानकारी मिलती है उसको पढ़ने के पश्चात इस पूरे विजयनगर साम्राज्य की एक अहम तस्वीर सामने आती है, एक पूरा का पूरा यहाँ पे जो इनकी कहानी है वो हमारे सामने आ जाती है। तो आपको समझ में आया हम्पी की खोज कैसे होती है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा एक मानचित्र तैयार किया जाता है, अभिलेखकर्ताओं के द्वारा अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, छाया चित्रकारों के द्वारा जो इमारतें थी भूतकाल में वो कैसे थी इसका अध्ययन किया जाता है, इतिहासकार इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कुछ यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन करते हैं, अन्य भाषाओं में लिखे हुए जो वेद हैं जो साहित्य हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को जब अंजाम दिया गया तब विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो हम्पी की खोज है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो हम्पी की खोज कैसे हुई, आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अगला टॉपिक समझते हैं, अगला टॉपिक है बेसिकली ये आपका बड़ा टॉपिक है और इसमें कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक आएंगे, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के राजा नायक और सुल्तान, अब इसी में आपके राजा अमर नायक प्रणाली और ये किस तरीके से मजबूत हुआ था, किस तरीके से टूटा था, ये चीजें इसमें आएंगी। तो सबसे पहले शासक तथा व्यापारी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा समृद्ध जनता वाला साम्राज्य था, यहाँ की जनता अधिकतर महंगी एवं विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, जैसे कि विशेष आभूषण वगैरह, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा समृद्ध थी, बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य जो था अपने लिए खुद के लिए मसाले वस्त्र रत्नों के बाजार इन सभी के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यापार के लिए जो महंगी महंगी वस्तुएं थी वो आयात की जाती थी, साथ ही साथ मसाले वस्त्र रत्न ये सभी निर्यात किए जाते थे और आपस में भी व्यापार करते। यहाँ पे मुख्यतः घोड़ों का आयात अधिकतर होता था, यानी कि बेसिकली देखो हमें जब भी हम शासक की बात करते हैं तो उनके लिए घोड़े हाथी बंदूक ये तो चाहिए ही होती हैं, या तलवार वगैरह आप कह सकते हो, अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है तो घोड़े हाथी और तलवार ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो घोड़ों का आयात यहाँ पे अधिकतर किया जाता था क्योंकि
युद्ध कला अश्व सेना पर ही आधारित, ठीक है। इसलिए संयुक्त राज्य अरब और मध्य एशिया यहां से घोड़े मंगवाए जाते। अब 1498 में पुर्तगाली आए कहां पर, विजयनगर साम्राज्य में। अब इन पुर्तगाली ये जो आए थे बेसिकली पश्चिमी तट पे आए थे, कहां पे, पश्चिमी तट का इलाका जो है यहां पे आए थे, और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र शासित प्रयास करने का उपयोग किया। अर्थात ये जो पुर्तगाली 1498 में आए थे विजयनगर साम्राज्य काल के दौरान पश्चिमी घाट पे, इन्होंने खुद को विजयनगर साम्राज्य में स्थापित करने की कोशिश की। इनके पास बेहतर सामरिक तकनीक, सामरिक यानी कि बेहतर जो हथियार तकनीक है वो थी, क्योंकि इनके पास मुख्यतः बंदूक हुआ करती थी, ठीक है। अब देखो एक तलवार है और एक बंदूक है, तो दूरी से सबसे पहले कौन मारेगा, सिंपल सी बात है, बंदूक मारेगी। तो ऐसे ही में ये जो पुर्तगाली आए थे ये विजयनगर साम्राज्य में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, ठीक है। व्यापार से यहाँ पे राजस्व प्राप्त होता था, राज्य की समृद्धि के लिए अहम योगदान देता था। अर्थात यहाँ की जनता काफी समृद्ध थी, बहुत ही महंगी महंगी वस्तुएं मांगा करती थी, जैसे कि आभूषण हो गए। विजयनगर साम्राज्य खुद मसाले वस्त्र रत्नों के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ पे युद्ध कला घोड़ों पर आधारित थी, इसलिए घोड़ों का आयात किया जाता था, जैसे कि अरब और मध्य एशिया से। यहाँ पे पुर्तगाली आए 1498 में, इनके पास बेहतरीन सामरिक जो बंदूकें वगैरह थी, तकनीक थी, वो थी जो विजयनगर साम्राज्य को दिया करते थे, और कई बार ये विजयनगर साम्राज्य कुछ क्षेत्रों पर अपना दबदबा भी कायम किया करते थे। व्यापार से जितना भी राजस्व प्राप्त होता था वो इसके लिए एक अहम राजस्व का स्रोत था। तो पहला पॉइंट शासक तथा व्यापारी का हमारा कंप्लीट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा राज्य का चरमोत्कर्ष एवं पतन। इसका मतलब क्या है, बेसिकली देखो ये जो विजयनगर साम्राज्य था ये कब तेजी से फैला और कब एकदम से गिर गया, ये चीज यहाँ पे हम देखेंगे, और इसी में जो कृष्णदेव राय हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो समझो देखो, राजनीतिक सत्ता के दावेदारों में शासक वंश के सदस्य सैनिक कमांडर शामिल, अर्थात यानी कि अगर हम राजनीति की बात करें तो बेसिकली जो शासक वंश के सदस्य यानी कि शासक हो गया और उनके समुदाय के सदस्य एवं सैनिक कमांडर इसमें शामिल हुआ। पहला राजवंश जो कि यहाँ पे सबसे पहले जिसने शासन किया था वो था संगम वंश, 1485 तक इसने नियंत्रण रखा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सुलभ जो थे इनसे पहले के उन्हें सैनिक कमांडर को उखाड़ फेंका और 1503 तक इन्होंने सत्ता कायम की। इसके बाद तुलुओं ने यहाँ पे स्थान लिया, अर्थात पहले आया संगम वंश, फिर आया सुलभ वंश, फिर आया फिर आया तुलुभ वंश। तो तुलु वंश के बाद ही ये जो विजयनगर साम्राज्य था तुलु वंश के दौरान बहुत तेजी से समृद्ध हुआ। इसका अहम जो पार्ट है वो आता है कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य का विस्तार और तेजी से किया एवं इसकी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया। 1512 में इन्होंने तुंगभद्रा और जो कृष्णा नदी है इसके आसपास का एक जो क्षेत्र होता है दुआब क्षेत्र, इसको जीत लिया और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1514 में उड़ीसा के जो शासक थे उनका दमन करके उसे भी विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरीके से पराजित करके इसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अर्थात जब भी हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य में कब ये तेजी से फैला, कब ये मजबूत हुआ, कब ये साम्राज्य और जगह जगह फैलने लगा, तब हम बात करेंगे हमेशा कृष्णदेव राय की। और कृष्णदेव राय ने क्या क्या किया, 1512 तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के आसपास दुआब क्षेत्र को जीता, 1514 में उड़ीसा के शासकों को हटा उखाड़ फेंका और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हरा। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय ने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वहाँ पे भव्य गोपुरम। अभी गोपुरम क्या होते हैं भाई, तो गोपुरम अभी आपको आगे समझाऊंगा, आपने साउथ की मूवीज में देखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं ये, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस तरह से, अभी आगे आपको दिखाऊंगा गोपुरम क्या, ठीक है, अभी टॉपिक आएगा तब देखना। बेसिकली क्या कहते थे, गोपुरम इनका निर्माण किया, इन्होंने निर्माण करवाया, उनको और बड़ा बनवाया। बेसिकली इन्होंने अपनी माता जी के नाम पर एक
उपनगर की स्थापना की विजयनगर साम्राज्य में, उस उपनगर का नाम था नगलपुरम। तो ये कई बार पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर किस उपनगर की स्थापना करवाई है, तो दैट इज द राइट आंसर नगलपुरम। बेसिकली जब भी हम विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की बात करेंगे तो हम हमेशा कृष्णदेव राय की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। और कृष्णदेव राय के बारे में एक 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा बनता है, तो ये पॉइंट आप लिख दो। और जब कृष्णदेव राय की अंततः मृत्यु हो जाती है, कब, 1529 में। 1529 के बाद में कई सालों तक ये शासन कमजोर रहता है, यहाँ के जो विद्रोही होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, एवं बहुत सारे इनके जो सगे संबंधी हैं वो कहते हैं कि सत्ता पे हमारा हाथ है, राजगद्दी पे हमारा शासन रहेगा। तो इसकी वजह से आपस में क्या होता है, झगड़े होने लगते हैं, विवाद होने लगते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए 1542 तक यहाँ पे शासन करता है एक अन्य राजवंश अरविंदु, क्या नाम है, अरविंदु वंश। और इस वंश के बाद 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी तालीकोटा का युद्ध हुआ। अर्थात 1565 में ही विजयनगर की सेना के साथ प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तागड़ी कह सकते हो या फिर तालीकोटा का युद्ध कह सकते हो, ये हुआ था। बेसिकली इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा इसकी संयुक्त सेना ने विजयनगर पर आक्रमण किया और विजयनगर को हरा दिया, और हराने के पश्चात इसने समय समय पर इसे लूटा, इमारतों को गिरा दिया, जो भी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती थी उनको उठा के अपने साम्राज्य में लेते चले। तो इस तरह से एक वो साम्राज्य जो कि कृष्णदेव राय के काल में बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो रहा था, क्योंकि इसने तुंगभद्रा कृष्ण नदी के आसपास दोआब क्षेत्र को जीता, उड़ीसा के शासकों को मार भगाया, बीजापुर के सुल्तानों को भी मार भगाया, वही साम्राज्य कृष्णदेव राय की मृत्यु के तकरीबन 35 से 36 साल के पश्चात पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, किसी वजह से, राक्षसी तागड़ी और तालीकोटा युद्ध की वजह से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि राज्य का चरमोत्कर्ष और इसका पतन कैसे होता है। चरमोत्कर्ष आता है कृष्णदेव राय के काल में और पतन होता है कृष्णदेव राय के काल के पश्चात, ठीक। अगले टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तीसरा है राय तथा नायक। अब ये राय तथा नायक क्या होते हैं भाई, तो देखो राय यानी कि राय का मतलब होता है विजयनगर के शासक जिन्हें हम राजा कहते हैं। नायक, नायक का मतलब था यहाँ पे जो शासन में प्रमुख यहाँ पे एक नायक के रूप में काम करे, वो था यहाँ पे सेना। तो बेसिकली ये साम्राज्य में ये जो सेना हुआ करते थे, ये साम्राज्य में ये जो नायक हुआ करते थे, ये साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग किया करते थे, किले पर नियंत्रण रखा करते थे, इनके पास कई शस्त्र समर्थक यानी कि हथियार भी थे और हथियारों को चलाने वाले लोग भी हुआ करते थे। आमतौर पर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील हुआ करते थे, कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी इनका साथ देते। अर्थात ये जो नायक थे ये क्या करते थे, इनके पास शक्ति करने का शक्ति उपयोग करने का अधिकार था, राजा तो था ही, इसके अलावा नायक की हम बात कर रहे, शक्ति उपयोग करने का अधिकार था, इनके पास हथियार होते थे, हथियारों को चलाने वाले लोग भी हुआ करते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, ठीक है, और बसने के लिए स्थान ढूंढते थे। तो क्योंकि किसान इनका आदर किया करते थे, इसलिए किसानों ने भी इनकी मदद की उन्हें बसने के लिए। आमतौर पर ये जो नायक हुआ करते थे ये तेलुगु या फिर कन्नड़ भाषा बोला करते थे। समर्पण तथा विद्रोह, कई बार कई जो नायक थे उन्होंने विजयनगर शासक की जो प्रभुसत्ता है इसके आगे समर्पण किया था, लेकिन अक्सर ये विद्रोह कर देते थे, फिर इन्हें सैनिक कार्यवाही के माध्यम से वंश में शामिल किया था। अर्थात ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा, ये क्या कहता है, विजयनगर शासक यानी कि राजा और इसकी सेना के प्रमुख नायक कहलाते थे, ये नायक शक्ति का उपयोग कर सकते थे, इनके पास हथियार होते थे, हथियारों को चलाने वाले लोग हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, किसानों के द्वारा इन्हें मदद मिलती थी बसने के लिए, आमतौर पर ये तेलुगु कन्नड़ भाषा बोला करते थे, लेकिन कई बार ये अपने जो राजा हुआ करते थे उनके खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे, लेकिन ये कभी सफल नहीं हुए, मुख्यतः ज्यादातर ये सफल नहीं होते थे, क्योंकि सैनिक कार्रवाई के द्वारा दूसरी सेना आती थी, इन्हें हरा के वापस से राजवंश में शामिल कर देती थी, ठीक है। तो ये हो गया नायक के बारे में। अब यहाँ पे आती है अमरनायक प्रणाली, बहुत ही अहम पॉइंट है। अमरनायक प्रणाली जो है
वो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक खोज है। अर्थात अगर हम राजनीतिक खोज में एक प्रमुख खोज की बात करें तो सबसे अहम है इसकी अमरनायक प्रणाली। ये अमरनायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत की जो इकता प्रणाली है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की प्रणाली और दिल्ली सल्तनत की इकता प्रणाली, इन दोनों से कुछ मिलती जुलती है, दोनों आपस में कुछ मिलती जुलती है। अमरनायक जो थे वो बेसिकली सैनिक कमांडर हुआ करते थे। इनके पास राजा के द्वारा कुछ क्षेत्र दिया जाता था कि आप इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे अपना राज कर सकते हो, जो मुद्रा चलानी है, जो आपको कुछ भी करना है यहाँ पे कर सकते हो, बस शर्त ये है ये टूटना नहीं चाहिए, शांति बनाए रखनी है और हमारे पास कर पहुंचा। इन क्षेत्रों में ये जो सैनिक कमांडर होते थे ये क्या करते थे, चाहे किसान हो, शिल्पकारी हो या व्यापारी हो, इन सभी से भू राजस्व, भू राजस्व का मतलब होता है जो राजा को दिया जाने वाला कर होता है, ये वो कर वसूलते थे और राजा को प्रदान किया गया। राजस्व का उपयोग यानी कि इन्हें जो भी राजस्व का उपयोग मिलता था, जो भी राजस्व इन्हें मिलता था, जो कर मिलता था, ये क्या करते थे सैनिक कमांडर, कुछ तो अपने व्यक्तिगत उपयोग में लगा लेते थे, यानी कि कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए, कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, किसी का शादी ब्याह उसमें देने के लिए, एवं कुछ घोड़े और हाथियों के दल के रखरखाव के लिए, लोगों मतलब वो जो घोड़े हाथी होते हैं ऐसे जानवरों के रख रखाव, उनको चलाने वाले के रख रखाव करने के लिए, उनके दाना चारे के रख रखाव करने के लिए, ठीक है, और कई बार ये मंदिर निर्माण के लिए एवं सिंचाई के साधनों को और ज्यादा विकसित करने के लिए, ताकि राजस्व और आए, जब फसल उत्पादन होगा तो राजस्व अधिक आएगा, तो उसके लिए इस राजस्व का उपयोग यहाँ पे किया जाता था। ये सैनिक कमांडर राजस्व का उपयोग कैसे करते थे, कुछ तो अपने लिए उपयोग कर लिया, कुछ घोड़े और हाथियों के लिए उपयोग कर दिया, और कुछ मंदिरों के निर्माण के लिए, और कुछ तो सिंचाई के साधनों को विकसित करने। सैनिक शक्ति अर्थात ये जो दल था, इसको यह दल शासक को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, क्योंकि हमें पता है ये एक सैनिक कमांडर होते थे, तो सिंपल सी बात है ये एक मजबूत सेना हुई होगी, तो ये एक राजा को एक मजबूत सेना प्रदान करते थे, जिसकी वजह से जो साम्राज्य उत्तर में कृष्ण नदी तक फैला हुआ था, कृष्णा नदी तक फैला हुआ था, वो दक्षिण भारत में भी जाके फैला, किसकी वजह से, इन सैनिक कमांडरों की ताकत की वजह से। तो यह है आपकी अमरनायक प्रणाली, ठीक है। फिर आती है स्वामी भक्ति, अर्थात अपने अभी मैं आपको आगे बताऊंगा महानवमी डिब्बा के बारे में, ठीक है, इसके बाद में आगे समझाऊंगा। तो स्वामी भक्ति इसका मतलब क्या है, अमरनायक जो थे वो राजा के समक्ष वर्ष में कम से कम एक बार भेंट स्वरूप राजा के समक्ष पेश होते थे, अपनी स्वामी भक्ति का यहाँ पे सबूत देते थे, मतलब स्वामी भक्ति प्रकट करते थे बेसिकली, ठीक है, और उपहार लाया करते थे, भेंट भी लाते थे, उपहार भी लाते थे, कई बार अपने कुछ लोगों को भेज के और कई बार खुद भी आके। तो ये क्या दर्शाता है, ये अमर नायक जो है उनका राजा के प्रति उनकी स्वामी भक्ति को यहाँ पे दर्शाता। तो ये है भाई हमारी अमरनायक प्रणाली की पूरी कहानी, ठीक है, आई होप आप समझ गए। स्थानांतरण तथा स्वतंत्रता इसका मतलब क्या है, तो अमरनायक जो थे वो कई बार विद्रोह भी कर देते थे, लेकिन जैसे ही शासक को लगता था कि अमरनायक विद्रोह करने वाले हैं, तभी ये क्या करते थे, इस एक पर्टिकुलर स्थान से उन्हें दूसरे स्थान पर भेज देते थे, और जब स्थानांतरण होगा तो उनका जो मत होता है यानी कि उनके जो विद्रोही करने वाले लोग होते हैं वो वहीं पे छूट जाते हैं और फिर विद्रोह हो ही नहीं पाता है। तो विद्रोह से बचने के लिए राजा अमरनायकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय समय पर भेजते रहा करते थे, उनका स्थान बदल के रहा। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे अमरनायक प्रणाली की कहानी कंप्लीट। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या देखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा ओवरव्यू, उसके बाद हमने देखा हम्पी की खोज कैसे हुई, कॉलिन मैकेंजी अभिलेखकर्ता, छायाचित्रकार और इतिहासकार के बारे में, फिर हमने देखा शासक और व्यापारी वर्ग यहाँ पे कैसा हुआ करता था, ठीक है, फिर हमने देखा राज्य का चरमोत्कर्ष कृष्णदेव राय के दौरान आया था, कैसे आया था, क्या क्या यहाँ पे हुआ था, इसको हमने डिस्कस किया है, फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये पतन हो गया, ये साम्राज्य कैसे खत्म हुआ, और उसके बाद राय तथा नायक, ये जो नायक होते थे इनकी क्या क्या विशेषताएं होती थी, इन्हीं नायकों में अमर नायक जो प्रणाली है इसके बारे में हमने यहाँ पे
डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो का हमारा ए सबसे अहम जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट बच गया हो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, टाइम मिलेगा वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे राजधानी और उसके प्रदेश। अब इसी में हमारे छोटे छोटे सब पॉइंट्स आते हैं। जल संपदा यानी कि वहाँ पे जल प्रणाली जो थी वो कैसे थी। तो बेसिकली विजयनगर की आवश्यकता जो जल की आवश्यकता है उसको किस तरह से पूरा किया जाता होगा ये एक अहम बात होती है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य तो जल तो कैसे ना कहीं पूरा किया ही जाता होगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखो एक प्राकृतिक कुंड हुआ करता था, ठीक है। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति सबसे अधिक चौंकाने वाली है, क्योंकि तुंगभद्रा यहाँ पे जो नदी है, उसकी वजह से एक प्राकृतिक कुंड यहाँ पे निर्मित हुआ है जहां से कभी भी जल खत्म नहीं होता। ये जो नदी है बेसिकली उत्तर में पूर्व दिशा में बहती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आप चीज देख रहे हो, ठीक है, ये राजकीय केंद्र में जाने वाली एक कृत्रिम जल प्रणाली है, यानी कि जो खुद से बनवाई गई हो वैसी एक जल प्रणाली है। यहाँ पे ये जो आप दो बाउंड्रीज देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली टूटा हुआ है, तो यहाँ बेसिकली दीवार थी, तो इधर से पानी जाया करता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे एक तो क्या था, एक प्राकृतिक कुंड था जहां से पानी कभी खत्म ही नहीं होता था, जो कि तुंगभद्रा नदी के द्वारा निर्मित था। ये नदी उत्तर पूर्व में बहती थी और यहाँ पे पानी जो है वो कृत्रिम तरीके से पूरे साम्राज्य में फैलाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य का कुछ ऐसा भाग था जो कि ग्रेनाइट के पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब ये ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से यहाँ पे कई जलधाराएं निकलती थी इन पहाड़ियों से, और ये सारी जलधाराएं एक नदी में आके मिल जाती थी जिससे जल आपूर्ति आसानी से की जा सकती। अब ये जितनी धाराएं होती थी एक तो नदी में मिल जाती थी और कई धाराओं के साथ एक बांध बनाया जाता था, और उस बांध से कई छोटे छोटे अन्य प्रकार के हौज साम्राज्य में बनाए गए थे। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया, एक तो यहाँ पे था प्राकृतिक कुंड तुंगभद्रा नदी के द्वारा जहां से जल खत्म ही नहीं होता, ये नदी उत्तर पूर्व में बहा करती थी। यहाँ पे ग्रेनाइट की पहाड़ियां थी जिससे कई जलधाराएं एक नदी में जाकर मिल जाती थी, और कई बार तो इन जलधाराओं पर बांध बनाया जाता था, और इस बांध से कई प्रकार के हौज, छोटे हौज, बड़े हौज, मध्यम आकार के हौज, ऐसे हौज साम्राज्य में बनाए गए थे जिससे कि पानी आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। विजयनगर साम्राज्य का ये जो एरिया था, उत्तर दक्षिण का एरिया, मुख्यतः शुष्क क्षेत्र था, यानी कि जहां पर पानी की कमी हो ऐसा क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पे पानी की आवश्यकता, इसका संचयन करना जरूरी था। अब यहाँ पे हमें एक जलाशय मिला है, फॉर एग्जाम्पल कमलपुरम जलाशय। जैसा कि अभी हमने देखा है कि ये जो हौज हुआ करते थे एक तरह से जलाशय ही थे, तो ये हौज मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन कैसे, बांध से छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ धाराएं निकाल के और ये हौज बनाए गए। कमलपुरम जलाशय ये एक महत्वपूर्ण हौज था जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आसपास के वर्षों में हुआ था। इस हौज का जो पानी है वो आसपास के खेतों, इस हौज के पानी से आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी, और एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक पानी भी ले जाया जाता था। अर्थात ये जो कमलपुरम जलाशय है 15वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ, जिसका पानी पूरे साम्राज्य में मतलब कि कुछ क्षेत्र में खेतों की सिंचाई के लिए एवं राजकीय केंद्र तक कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए पानी की आपूर्ति करता। एक यहाँ पे नहर आती है, हीरिया नहर। इस नगर में तुंगभद्रा पर जो बांध बनाया गया, बांध से पानी लाया जाता था इस हीरिया नहर में। इस जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था एवं संगम वंश के राजाओं ने इसका निर्माण किया। बेसिकली जब भी हम जल संपदा की बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक प्राकृतिक कुंड हुआ करता था, एक तुंगभद्रा नदी हुआ करती थी, छोटे छोटे जलधाराएं ग्रेनाइट की पहाड़ियों से निकला करती थी, बांध बनाकर नदियों से छोटे छोटे प्रकार के हौज बनाए जाते थे, जिसमें एक कमलपुरम जलाशय का आप एग्जाम्पल लिखोगे और एक हीरिया नहर का एग्जाम्पल लिखोगे। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट राजधानी और उसके प्रदेश जल संपदा के बारे में। ठीक है बच्चों, सेकंड टॉपिक आ जाता है हमारा यहाँ पे किलेबंदी और सड़कें। बहुत अहम पार्ट है किलेबंदी और सड़कों के बारे में। तो बेसिकली किलेबंदी विजयनगर साम्राज्य की एक अहम विशेषता यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है आगे।
ये आप देख सकते हो किलेबंदी से संबंधित एक प्रवेश द्वार है, ठीक है, यानी कि प्रवेश द्वार के आसपास के जो एरिया देख रहे हो ईंटों का, ये क्या है, ये ईंटों से घेरा गया है पूरा का पूरा, यानी कि साम्राज्य के मुख्य मुख्य भवनों को, इवन पूरे साम्राज्य को ही घेरा गया था। तो बेसिकली भारत से एक राजदूत आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। इसका एक विवरण, 15वीं शताब्दी में कालीकट आया था, अर्थात ये 15वीं शताब्दी में कहाँ आया था, कालीकट। वह यहाँ की किलेबंदी को देखकर काफी हैरान हो गया था, क्योंकि इस किलेबंदी में न केवल मुख्य शहर था बल्कि खेतों को एवं जंगलों को भी किलेबंद किया जाता। सामान्यतः क्या होता है, किलेबंदी किसके की जाती है, तो मुख्यतः राजभवन होता है उसकी की जाती है, जहाँ पे सेना प्रमुख चलती हो। लेकिन इसके साथ साथ मुख्य शहरों के साथ साथ यहाँ पे खेत एवं जंगल, इसकी भी किलेबंदी की गई। इसलिए अब्दुल रज्जाक इस यहाँ के किलेबंदी से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। ये बताता है कि सबसे बाहरी जो दीवार थी यहाँ शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों के आपस में जोड़ती थी, अर्थात जो मुख्य शहर हुआ करता था, ठीक है, मान लेते ये मुख्य शहर है, ठीक, उस मुख्य शहर के आसपास ये हैं पहाड़ियां, तो ये जो बाउंड्री हुआ करती थी ना, ये बाउंड्री, ये शासन का जो मुख्य शहर है उसको, यानी कि ये जो शहर है ये और ये जो पहाड़ियां हैं इनको आपस में जोड़ने का विकार किया करते। अब देखो एक दीवार पर्टिकुलर कैसे बनाई जाती थी, तो यहाँ पे पत्थर के टुकड़े फनाकार होते थे, यानी कि फनाकार कैसे, कुछ आकृति टाइप में जिसमें कि वो एक दूसरे के साथ में अगर बैठ जाए, पजल टाइप में अगर एक दूसरे के साथ में लग जाते हैं तो किसी मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे आप आसानी से भी नहीं हटा सकते, ठीक है। बेसिकली छोटा मोटा गारे टाइप में इसका यूज किया गया होगा, जो अभी के टाइम पे हम सीमेंट और बाकी जैसे मसाले का उपयोग करते हैं वैसा उपयोग नहीं किया गया। अब्दुल रज्जाक लिखते हैं कि यहाँ पे पहली और दूसरी और तीसरी परिधि में जोते हुए खेत, बगीचे और आवास थे, अर्थात पहली परिधि में यहाँ पे जोते हुए खेत, दूसरी परिधि में यहाँ पे बगीचे, और तीसरी जो परिधि है उसमें बेसिकली आवास हुआ करते थे। अर्थात अब्दुल रज्जाक के अनुसार किलेबंदी बहुत अहम महत्वपूर्ण इसकी कला थी विजयनगर साम्राज्य की, जिसमें शहरों के साथ साथ खेतों जंगलों को घेरा गया, जिसमें पहले स्तर पे जुते हुए खेत, दूसरा बगीचे और तीसरा आवास हुआ करते थे। पर्टिकुलर एक दीवार को बनाने के लिए पत्थर जो थे वो फनाकार के होते थे, जो आपस में एक साथ मिल जाए तो पजल टाइप में जुड़ जाते थे, और कभी कभी छोटे मोटे गादे टाइप में मसाले का उपयोग होता। यहाँ पे डोमिंगो पेस जो है वो ये लिखते हैं कि पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत बहुत थी, अर्थात बेसिकली पहली परिधि यानी कि किलेबंदी के स्तर बहुत सारे थे, जिसमें से पहली परिधि से अगर आपको इस पर्टिकुलर राज्य तक जाना है, राज्य के मुख्य द्वार तक जाना है, तो ये एरिया बहुत ही बड़ा हुआ करता था। अब इतने बहुत बड़े एरिया में बेसिकली खेत होते थे जहाँ पे कृषि कार्य किए जाते थे, मुख्यतः धान उगाया जाता था, उनकी कटाई की जाती थी, यहाँ पे जंगल होते थे, कई प्रकार के उद्यान हुआ करते थे, सिंचाई के लिए नहरों और हौजों का निर्माण किया जाता था। अर्थात एक साम्राज्य में खेत, उद्यान, जंगल, सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले जो बेसिकली स्रोत हैं, इन सभी को किलेबंद करना विजयनगर साम्राज्य की एक अहम विशेषता है। तो किलेबंदी और सड़कों के बारे में ये पॉइंट आया, अभी तक हमारा एक ही पॉइंट इसमें हुआ है किलेबंदी के बारे में, ठीक है, और सड़कों के बारे में दिव्यंगों पेश आ जाता है। अब सड़कों के बारे में और एक दो पॉइंट समझो, किसी क्षेत्र को आखिर किलेबंद क्यों किया गया, यानी कि अच्छा किलेबंद किया गया है, चलो ठीक है साम्राज्य को या मुख्य शहर को तो मतलब किलेबंद करना बनता है कि दूसरों से बचने के लिए, लेकिन कृषि क्षेत्र को क्यों किया गया। तो बेसिकली उस समय एक युद्ध नीति हुआ करती थी, कैसी युद्ध नीति, कि अगर आप किसी से लड़ रहे हो तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने विरोधी को खाने का जो सामान है उससे वंचित कर दो, और उसके बाद वो अपने आप ही आत्मसमर्पण कर देगा। तो ऐसी नीति से बचने के लिए विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने, शासकों ने, कि अपने किलेबंदी के अंदर खेतों को, उद्यानों को, जंगलों को एकत्र किया, यानी कि उन्हें किलेबंद किया, ताकि भविष्य में उनके सामने ऐसी कोई जो स्थिति है वो ना आए, अगर युद्ध होता भी है तो उनके पास खाद्य सामग्री भरपूर मात्रा में उपलब्ध। दूसरी,
किलेबंदीय नगरीय केंद्रों के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, अर्थात दूसरी जो किलेबंदी थी वो नगरीय केंद्रों के आंतरिक भागों के चारों ओर बनी थी। तो बेसिकली कृषि क्षेत्रों को किलेबंद क्यों किया गया था और किलेबंदी और सड़कों की क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने देखा अब्दुल रज्जाक के संबंध में, फिर डोमिंगो पेस्ट के बारे में और किस तरीके से जो कृषि क्षेत्र है इनको किलेबंद किया जाए। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया किलेबंदी और सड़कों के बारे में। अब देखो यहाँ पे बेसिकली अब आता है सड़क, किलेबंदी के बारे में सारी समझ लिए, अब सड़कों के बारे में। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए अर्थात मुख्यतः जो साम्राज्य का जो राजभवन होता है, राजद्वार होता है, वहां तक प्रवेश करने के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जहाँ पे कई तरह के सुरक्षा के स्तर पे इंतजाम किए गए थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ता था। अर्थात ये साम्राज्य का द्वार शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ता था, जहाँ पे मुख्यतः कई तरह के विशिष्ट स्थापत्य के नमूने देखने को मिलते हैं। कैसे? इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक का यहाँ पे क्या मतलब है? इंडो इस्लामिक बेसिकली किलेबंद जो बस्ती हुआ करती थी, किलेबंद जो पूरा का पूरा एरिया था, वहां पे बने जो प्रवेश द्वार हैं वो मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के तत्व माने जाते थे, एवं इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय स्थापत्य के परंपराओं के संपर्क में हुआ। अर्थात बेसिकली ये इंडो इस्लामिक शैली क्या है? ऐसी एक शैली जिसमें इंडियन और इस्लामिक शैली दोनों का उपयोग किया गया हो, जो कि मुख्यतः किसी भी साम्राज्य का जो प्रवेश द्वार होता है, शहर का प्रवेश द्वार होता है, बस्ती का प्रवेश द्वार, उसके उपयोग में किया जाता। ठीक है, सबसे ज्यादा पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से उकार इधर उधर घूमती थी इंडो इस्लामिक शैली। बेसिकली ये आप देख सकते हो ये एक गोपुरम है, ये एक गोपुरम है जो कि बनाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में कई मंदिरों में प्रवेश द्वार है जो कि आगे की ओर बढ़े हुए थे। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ती हुई थी इनके दोनों हजार बहते। अर्थात देखो सिंपल सा है, कई सड़कें ऐसी होती थी जो जिन सड़कों के आसपास मंदिर बने हुए होते थे और उन मंदिरों के आसपास में ही, सड़कों और मंदिरों के आसपास में ही बाजार भी लगते थे। तो मंदिर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि मंदिर धार्मिक केंद्र के साथ साथ में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी उभरे। तो सड़कों की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे ये आ जाती हैं। ठीक है, और इंडो इस्लामिक शैली के बारे में आप लिख ही देंगे, सड़कों के आसपास प्रवेश द्वार हुआ करते थे मंदिरों के, और इस तरीके से सारी चीजें। तो किलेबंदी, एक सेकेंड, सड़कों के बारे में कोई पॉइंट है नहीं है। ठीक है, किलेबंदी और सड़कों के बारे में ये चीज याद रखेंगे, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेश, और किलेबंदी में कैसे क्षेत्र को क्यों किलेबंद किया जाता था, उसके बाद सड़कों की क्या क्या विशेषताएं, छोटे छोटे पॉइंट है। तो ये समझ में आ गया विजयनगर राजधानी और उसके केंद्र। तो राजधानी और उसके केंद्र में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, बेसिकली दो पॉइंट, कौन कौन से? जल संपदा पहला पॉइंट, छोटा दो यार, जल संपदा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट किलेबंदी और सड़कों के बारे में। ठीक है, दो पॉइंट हमने डिस्कस किए, आगे देखते हैं अगला। अब है यहाँ पे तीसरा पॉइंट शहरी केंद्र के बारे में, शहरी केंद्र यानी कि यहाँ का शहरी केंद्र कैसा रहा होगा, इस बारे में क्या आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या क्या हम देखेंगे। तो बेसिकली शहरी केंद्र की ओर जो भी सड़कें जाती थी उन पर हमें जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, सामान्य लोग हुआ करते थे, उनके आवास बहुत ही कम मिले, क्योंकि जैसा कि हमने इसके व्यापारिक विशेषता देखी थी कि अधिकतर जनता समृद्ध थी जो महत्वपूर्ण आभूषणों की मांग करती थी, विदेशी वस्तुओं की। इसलिए यहाँ पे क्या है कि हमें जो नॉर्मल आबादी थी उनके आवास कम मिले हैं और जो बड़े बड़े लोग थे उनके आवास अधिकतर मिले। कुछ स्थानों पर परिष्कृत चीनी की मिट्टी मिली है, अर्थात हमें कुछ ऐसे चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ चीनी मिट्टी मिली है, जिससे ये सिद्ध होता है कि संभवतः यहाँ पे एक धनी व्यापारी वर्ग जो है वो रहता होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मुस्लिम रिहायशी एक मोहल्ला भी मिला है, जहाँ पे हमें कुछ मस्जिदें, कुछ मकबरे भी मिले हैं। साथ ही साथ हम्पी से मिले हमें मंदिर, मंडप, ये सभी ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर धार्मिक
आधार पर बहुत ही विभिन्नता रही होगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक व्यक्ति आया था, पुर्तगाली यात्री बर्बोसा। इसका वर्णन क्या है, यह कहता है कि लोगों के अन्य आवास यानी कि जो अन्य लोगों के आवास थे वो छप्पर के बने होते थे, लेकिन फिर भी सुदृढ़ यानी कि मजबूत होते थे, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थान वाली लंबी गलियां व्यवस्थित रूप से थी, लेकिन इसके साक्ष्य हमारे इतिहासकार को नहीं मिलते। क्षेत्रों के अधिक गहन सर्वेक्षण से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ही मात्रा में छोटे छोटे पूजा स्थल हुआ करते थे, छोटे छोटे मंदिर होते थे, और यहाँ पे कई तरह के जलाशय भी हुआ करते थे। बेसिकली शहरी केंद्र के बारे में आप क्या क्या पॉइंट याद रखोगे, सबसे पहला हमें जो आम आबादी होती है उसके घर नहीं मिले हैं, पर इसके चीनी की मिट्टी और उसके बर्तन मिले हैं, जिस समझ में आता है कि एक धनी व्यापारी वर्ग रहता होगा। कुछ मस्जिद मकबरे मिलते हैं, अर्थात यहाँ पे मुस्लिम धर्म भी रहा होगा। कुछ मंदिर मंडप मिलते हैं, अर्थात यहाँ पे हिंदू धर्म भी रहा होगा, यानी कि और इंडो इस्लामिक शैली ये भी आप इसमें डाल सकते हो। यात्री बर्बोसा जो था इसने बताया कि यहाँ पे जो आम आबादी हुआ करती थी उसके घर छप्पर से बने होते थे, संभवतः इतिहास में इसके साक्ष्य ना मिले क्योंकि ये नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें कुछ जलाशय, कुछ पूजा स्थल और कुछ छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं, तो ये इसके शहरी केंद्र की विशेषता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शहरी केंद्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, आई होप आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गया। तो दूसरा टॉपिक था हमारा कौन सा, विजयनगर राजधानी और उसके प्रदेश, इसके बारे में हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी तक के दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। चलिए अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब आ जाता है राजकीय केंद्र, अभी हमने शहरी केंद्र की बात की थी। राजकीय केंद्र इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्वायर्ड वेरी बेसिकली टेम्पल्स एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे हम कुछ मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो विजयनगर के राजकीय केंद्र की अगर हम बात करें तो राजकीय केंद्र में लगभग 60 से अधिक हमें मंदिर मिले हैं, 30 से अधिक राजा के महल मिले हैं। अब देखो, जब हमने खुदाई की या फिर अन्य जो इतिहासकार हैं उन्हें जो अवशेष मिले हैं, जो अध्ययन किया है, उसके अनुसार यहाँ का जो राजकीय केंद्र है यानी कि मुख्य केंद्र, उस केंद्र में हमें 60 मंदिर मिले हैं और 30 राजा के महल मिले। अब इनका इतिहासकार पता कैसे लगाते हैं कि ये मंदिर होगा या राजा का महल होगा? तो देखो, मंदिर का निर्माण राजगीर वस्तुओं से और भवनों का निर्माण भिखारी, यानी कि मंदिर का निर्माण राजगीर वस्तु जो मुख्यतः धार्मिक तौर पे अहम होती होंगी, और जो भवन थे उनका निर्माण भिखारी, अर्थात जो कि मुख्यतः एक तरीके से उनकी समृद्धि को प्रस्तुत करें ऐसी वस्तुओं से बनाए गए। अब यहाँ पे जो मंदिर मिले हैं, जो राजा के महल मिले हैं, उसके बाद में सबसे पहला आता है लोटस महल। लोटस महल बेसिकली इस तरीके का होता था, और ये लोटस महल का एक रेखा चित्र है। ठीक है, ये लोटस महल का एक रेखा चित्र है बेसिकली, लोटस महल समझो। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी विद्वान जो थे उन्होंने लोटस महल की खोज की थी। हालांकि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसका उपयोग क्यों किया जाता था, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन जैसा कि हमने हम्पी की खोज में देखा था, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा जो मानचित्र तैयार किया गया था, सर्वेक्षण मानचित्र, उस मानचित्र के अनुसार कॉलिन मैकेंजी बताते हैं कि ये जो लोटस महल है ये संभवतः राजा के द्वारा अधिकारियों के साथ बैठकर वाद विवाद संवाद अन्य मुद्दों पर फैसले लेने की एक जगह है रही होगी। ठीक, फिर इसी में आ जाता है हजार राम मंदिर, दूसरा आ जाता है यहाँ पे। पहला तो हमने देख लिया लोटस महल यानी कि कमल मंदिर, ठीक है, सॉरी कमल मंदिर नहीं, कमल महल का सकते। दूसरा है हजार राम मंदिर। तो बेसिकली ये जो मंदिर है इसका उपयोग संभवतः राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता होगा। इस मंदिर के मुख्य, इसकी जो मूर्तियां हैं वो तो हमें वर्तमान में नहीं मिली है, लेकिन इसकी दीवारें जो है उस पर कुछ हमें चित्र मिले हैं, जो चित्र हमें बेसिकली रामायण से संबंधित लगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक व्यक्ति है, देख सकते हो, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो धनुष लिए हुए कुछ व्यक्ति हैं, कुछ यहाँ पे लड़ रहे हैं, कोई नर्तकी है, एक महिला है,
तो ये बेसिकली हमें ये दर्शाते हैं। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिया है कि ये ऊपर में ना बंदर भी बैठे हुए हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है, आपकी जो किताब है वहां पे दिए हुए, यहाँ पे कुछ बंदर भी बैठे हुए। तो इन सब चीजों से ये पता लगाया जाता है कि ये एक राम मंदिर रहा होगा, हजार राम मंदिर जिसका नाम दिया गया, और इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता होगा, राजा और उसके मुख्य परिवार के द्वारा। तो पहला लोटस महल और दूसरा हजार राम मंदिर। अब इसमें जो अहम हमारी कड़ी आती है वो आती है बेसिकली राजा के महल की, राजा का महल। राजकीय केंद्र में ये सबसे बड़ी संरचना होती थी जिसमें सभा मंडप और महानवमी डिब्बा मुख्यतः इस ये जो राजकीय केंद्र है इसके बारे में आपको महानवमी डिब्बा को अहम पढ़ना। तो सभा मंडप क्या होते थे? सभा मंडप बेसिकली एक ऊंचा मंच होते थे। सभा मंडप एक ऊंचा मंच हुआ करता था जिसमें निश्चित दूरी के स्थान पर कुछ लकड़ी के स्तंभ हुआ करते थे जिसमें आपस में कुछ छेद बने होते थे। इनके इतने पास पास होने की वजह से ये पता नहीं लगाया जा सका है कि इनका उपयोग आखिर क्यों किया जाता होगा। तो सभा मंडप क्या है? एक ऊंचा मंच था जहाँ पे लकड़ी के स्तंभ बने हुए थे आसपास एक निश्चित दूरी पर। ये आसपास क्यों थे, छोटे छोटे छेद भी थे इसमें, क्यों थे आसपास इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए इसका उपयोग क्यों है, क्यों करते थे, इस पर। दूसरा यहाँ पे आ जाता है महानवमी डिब्बा के। अब बेसिकली महानवमी डिब्बा पर, महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो कि सभा मंडप से भी काफी बड़ा हुआ करता था। यह लगभग 11,000 वर्ग फीट से और 40 फीट ऊंचाई से, यानी कि आधार से कितना था, एक सेकेंड, हाँ बेसिकली देखो 11,000 वर्ग फीट के आधार से और 40 फीट ऊंचाई तक ये जाता है। अब ये जो महानवमी डिब्बा है इस पर हमें कुछ चित्र मिले हैं, यानी कि चित्र मिले हैं जो कि एक लकड़ी की संरचना को दर्शाते हैं। तो ये चित्र जो है वो हमें ये दर्शाते हैं कि संभवतः महानवमी डिब्बा जो है वो एक लकड़ी की संरचना रही होगी, ठीक है। तो राजकीय केंद्र में एक तो हो गया सभा मंडप, दूसरा हो गया महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा क्या है? एक विशालकाय मंच है, आधार से ऊंचाई तक कितना जाता है, कुछ चित्र मिले हैं, संभवतः ये लकड़ी की संरचना रही होगी। अब आता है महानवमी डिब्बा के बारे में एक अहम पॉइंट, अनुष्ठानों के बारे में। तो बेसिकली महानवमी डिब्बा जो है ये एक विशालकाय मंच था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक फोटो है आपकी एनसीईआरटी बुक से। यहाँ पे संभवतः लोग बैठकर राजा, अन्य उसके परिवार वाले या फिर अन्य जो राजा हुआ करते थे कभी कभी उनके साथ में, या फिर अनुष्ठान के द्वारा। तो संरचना महानवमी डिब्बा से जुड़े ये जो अनुष्ठान हुआ करते थे ये सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में, जो 10 दिन के हिंदू वाले त्योहार मनाए जाते हैं, यानी कि जैसे दशहरा हो गए उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा बंगाल में, नवरात्रि या फिर जैसे मानवी भी कहते हैं, ऐसे जो त्योहार होते थे इन त्योहारों के दौरान इसका उपयोग संभवतः किया जाता हो। तो ये विजयनगर साम्राज्य का जो राजनीतिक केंद्र है, राजकीय केंद्र, उसमें महानवी डिब्बा की एक अहम विशेषता। इस अवसर पर जब ये अनुष्ठान वगैरह हुआ करते थे हिंदू त्योहार के 10 दिन वाले, सितंबर अक्टूबर के मंथ के, तो इस अवसर पर विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपने रुतबे का, अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करते थे सेना के माध्यम से, जनता को कई अन्य नियमों को बताकर, बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली इस अवसर पर जो धर्म अनुष्ठान हुआ करते थे, चाहे वो दशहरा का हो, दुर्गा पूजा का हो, नवरात्रि या महानवमी का हो, तो ऐसे जो अनुष्ठान हुआ करते थे, अन्य प्रकार के अनुष्ठान, इसकी शुरुआत होती थी सबसे पहले मूर्ति की पूजा करके, चाहे वो स्थानीय देवी माता देवी परंपरा की हो, विट्ठल देव हो, रूपाक्ष देव हो, किसी कोई भी हो सकता था। तो मूर्ति की पूजा होती थी, फिर राज्य का जो अश्व होता था उसकी पूजा होती थी, फिर यहाँ पे बलि दी जाती थी जैसे कि भैंस या फिर अन्य जानवरों की बलि। प्रमुख आकर्षण यहाँ पे नृत्य, कुछ नृत्य हुआ करते थे, कुश्ती की प्रतिस्पर्धा होती थी, घोड़े हाथी रथों और सैनिकों की जो शोभा यात्रा निकलती थी वो यहाँ पे बहुत ही आकर्षण का केंद्र होती थी। साथ ही साथ नायक और जो राजा हुआ करते थे, अधीनस्थ राजा, वो मुख्य राजा के सामने प्रस्तुत होते थे भेंट लेकर और अपनी सेना का भी प्रदर्शन यहाँ पे किया करते थे। और आखिरी टाइम पे त्योहार के अंतिम दिन शासक नायकों की सेना का खुले मैदान में निरीक्षण करता था एवं
मानवी डिब्बा जो कि एक इतनी विशाल संरचना है, इसका राजा के महल में होना एक विवाद का कार्य है, एक विवाद का पहलू है। ठीक है, तो राजा के महल में दो वस्तुएं पाई गई, सभा मंडप जिसकी विशेषता ये है, मानवीय डिब्बा जिसकी विशेषता निम्नलिखित ये है। तो विजयनगर साम्राज्य के राज्य केंद्र में जो अभी तक हमने देखा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है लोटस महल, ठीक है, दूसरे पे हमने देखा है हजारदा मंदिर, ठीक, फिर हमने देखा राजा के महल में हमें सभा मंडप देखने को मिलता है, और फिर महानवमी डिब्बा। महानवी डिब्बा की क्या क्या विशेषता है वो भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली। अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आता है जो कि है विजयनगर का धार्मिक केंद्र, कि विजयनगर में किस किस तरह का धर्म था, इसके ऊपर क्या क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे एक स्थानीय मान्यता, क्या मान्यता थी, जैसा कि हमने देखा कि ये जो विजयनगर साम्राज्य था इसके आसपास का कुछ इलाका पहाड़ी इलाका था, चट्टानी इलाका था जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ था। तो मान्यता ये है कि ये जो चट्टानी इलाका है रामायण में इसका वर्णन मिलता है, और रामायण में बाली और सुग्रीव जो कि वानर साम्राज्य की रक्षा करते थे ये वही एरिया है। दूसरी मान्यता ये है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थानीय मात देवी है पंपा देवी, इन्होंने इतिहास में विरूपाक्ष जो देव है उनको प्राप्त करने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए इन मंदिरों में तप किया था। साथ ही साथ यहाँ पे कई विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और जैन मंदिर के भी सहायक जो साक्ष्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि विजयनगर बहुत ही अन्य धर्मों का एक केंद्र रहा। अब यहाँ पे आते हैं मंदिरों की विशेषता। तो मंदिर जो थे वो धार्मिक केंद्र तो होते ही थे, सामाजिक केंद्र भी हुआ करते थे, सांस्कृतिक केंद्र भी होते थे एवं आर्थिक केंद्रों के रूप में भी उभरे थे। अब कैसे उभरे थे इसके संबंध में 8 मार्क्स का अलग क्वेश्चन बनेगा। तो मंदिरों का निर्माण एक बहुत ही लंबी अवधि का कार्य रहा है, चाहे वो पल्लव शासक हो, चालुक्य हो, शाल या फिर अन्य चोल वंश के शासक हो, इनके द्वारा इनका निर्माण किया गया होगा। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, देखो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्रों में कार्य। आमतौर पर शासक जो थे वो खुद को ईश्वर से जोड़ने के लिए इन मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे और उनके रखरखाव के लिए भी अनुदान दिया करते थे। साथ ही साथ शासक अन्य लोग मंदिरों के रखरखाव के लिए भूमि या फिर अपने पास जो अन्य संपत्ति होती थी उसको दान में दिया करते थे। राजकीय प्रतिकृत मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी, अर्थात राजकीय राजाओं से संबंधित जो मूर्तियां वो मंदिरों में लगाई जाने लगी, और राजाओं की मंदिरों की जो यात्रा थी, यानी कि राजा किसी मंदिर पे जाते थे तो एक यात्रा करके जाते थे, ये यात्रा एक महत्वपूर्ण शोभा यात्रा के रूप में मानी जाने लगी, यानी कि महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ जाते। बेसिकली जब आप मंदिरों की विशेषताएं लिखोगे तो आप बताओगे किस रूप में ये विकसित हुए थे, साथ ही साथ इनका निर्माण का इतिहास काफी लंबा रहा है, शिक्षा के केंद्र में कैसे यहाँ पे ये कार्य करते थे, खुद को ईश्वर से जोड़ने के लिए शासकों ने ऐसा किया, इनके रखरखाव पुनर्निर्माण के लिए अनुदान भी दिया जाता था, शासकों के द्वारा मंदिरों की यात्रा करना एक अहम राजकीय अवसर माना जाता था। तो ये है धार्मिक केंद्र के बारे में सबसे पहले मंदिरों की विशेषता। अब इन मंदिरों की विशेषताओं में दो मंदिर आ जाते हैं माने, एक तो है पहले गोपुरम और सभा मंडप समझ लो, गोपुरम और मंडप, उसके बाद हम विट्ठल और जो विरूपाक्ष मंदिर है उसको समझ। तो जो मंदिर होते थे ये आप देख सकते हो, ये है एक गोपुरम, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको तकरीबन 30-35 मिनट पहले कि मैं आपको गोपुरम दिखाऊंगा कैसा होता है। तो इस तरीके के जो मंदिर हैं वो आपने कहाँ देखे थे, साउथ की मूवीज में जरूर देखे होंगे, ऐसे मंदिर आपको ज़्यादातर साउथ में ही देखने को मिले। तो ये है एक गोपुरम, ठीक। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो नीचे की साइड पेन खा गया, ये जो आप देख रहे हो नीचे की साइड में ये, ठीक है, ये क्या है, ये इसका एक प्रवेश द्वार, ठीक है। तो गोपुरम बहुत ही ऊंचे मंदिरों के प्रवेश द्वार हुआ करते थे, राजाओं के द्वारा गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार जो अक्सर केंद्रीय दीवारों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर होने का संकेत देते, अर्थात मंदिर जो थे
इनके प्रवेश राजा के द्वारा, प्रवेश द्वार राजाओं के द्वारा इनके इतने ऊंचे बनवाए जाते थे ताकि दूर से ही, अत्यधिक दूर से ही उनको राजा का महल दिखे या ना दिखे, लेकिन मंदिर जो है वो आसानी से दिख जाता। साथ ही साथ अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में यहाँ पे मंडप हुआ करते थे। मंडप अर्थात यहाँ पे लंबे स्थलों में गलियारे हुआ करते थे, अक्सर मंदिर स्थल में देव स्थल के चारों ओर बने हुआ करते थे। अर्थात यहाँ पे देखो प्रवेश द्वार हो गए, कुछ मंडप हुआ करते थे, कुछ यहाँ पे देव स्थल हुआ करते थे जो कि मंदिर के चारों ओर बने हुआ करते थे। ये हो गए गोपुरम और मंडप की विशेषताएं। अब आ जाता है हमारा अहम पॉइंट, विजयगढ़ धाम धार्मिक केंद्र का विरूपाक्ष मंदिर। बेसिकली विरूपाक्ष देव को राज्य के संरक्षण देवता एवं शिव का रूप माना जाता था। आज भी यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, विजयनगर के शासक ऐसा कहते थे हम कि भगवान की ओर से, अर्थात विरूपाक्ष भगवान की ओर से शासन कर रहे हैं। जितने भी राजकीय आदेश हुआ करते थे कन्नड़ भाषा में, उन राजकीय आदेशों पे सबसे टॉप पे, जैसे कि कोई विषय लिखा जाता है तो उसमें सबसे टॉप पे लिखते थे श्री विरूपाक्ष। ठीक है, यानी कि शासकों ने अपने आप को जो मंदिर है और जो एक तरह से ये जो भगवान है इनसे जोड़ने के लिए कई सारे तरीके अपनाए। विरूपाक्ष मंदिर में, विरूपाक्ष मंदिर का बेसिकली कई शताब्दियों में इसका निर्माण हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे अधिक बड़ा किया गया। अर्थात विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर साम्राज्य के काल से पहले भी था, लेकिन इस काल के दौरान इसको और ज्यादा बड़ा बना के इसके महत्व को और ज्यादा बताया गया। यहाँ पे कृष्णदेव राय ने मुख्य मंदिर के सामने एक मंडप बनाया और राज्य आरोहण के उपलक्ष्य में, मतलब कि जब इनका राज्य आरोहण हो रहा था, जब ये राज्य राजा बन रहे थे, तो इन्होंने उसी दौरान मंदिर का एक मंडप बनवाया, विरूपाक्ष मंदिर। और यहाँ पे एक पूर्वी गोपुरम है, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर में एक पूर्वी गोपुरम भी है। इसका निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही जाता है। अब यहाँ पे कुछ सभागार हुआ करते थे, यानी कि जो मंदिर होते थे इसमें कुछ सभागार होते थे, तो यहाँ पे विविध प्रकार के कार्यों के लिए इनका उपयोग होता था, जैसे कि देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए, उन्हें झूला झुलाने के लिए, संगीत करने के लिए, नृत्य एवं नाटक के कार्यों को देखने के लिए ये सभागारों का प्रयोग किया जाता। यहाँ पे कुछ और सभागार होते थे, जैसे कि कुछ ऐसे सभागार होते थे जहाँ पे देवी देवताओं के विवाह का उत्सव मनाया जाता था, आनंद लिया जाता था, उन्हें झूला झुलाया जाता था। इन अवसरों पर जो विशेष मूर्तियां हैं मंदिर की उनका इस्तेमाल होता। तो देखो जब आप मंदिर की विशेषता लिखो, ठीक है, तो मंदिर की विशेषता में क्या क्या लिख दोगे आप, एक सेकंड, मंदिर की विशेषताओं में आप पहले तो लिखोगे ये सारे पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर यहाँ पे ये आ गया एक छठा, ये पॉइंट लिख दिया आपने मंदिरों के बारे में। फिर सातवां पॉइंट आप गोपुरम के बारे में लिख दोगे, और उसके पश्चात यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है सभागार, ठीक है, ये भी आप लिख दोगे, अन्य सभागार ये भी आप लिख दोगे। ये आप विरूपाक्ष मंदिर, और अगर अलग से मंदिर की विशेषता पूछी जाए उसमें, तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में ये सभी पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए। अगला यहाँ पे मंदिर आ जाता है विट्ठल मंदिर, अर्थात विट्ठल मंदिर, ये आप देख सकते हो विट्ठल मंदिर का एक रथ है। बेसिकली पूरे विट्ठल मंदिर का फोटो तो नहीं मिला, लेकिन रथ का फोटो मिला एनसीईआरटी में। विट्ठल मंदिर प्रमुख देवता विट्ठल थे, यानी कि विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल हुआ करते थे, जिन्हें महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का रूप बताया जाता है। इस देवता की पूजा महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में भी शुरू हुई। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पे भी कई प्रकार के सभागार हुआ करते थे, जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना करके आनंद लिया जाता था, और जन्म उत्सव, विवाह उत्सव इनको मनाया जाता था। इसमें रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर मिलता है, तो ये एक रथ के आकार का मंदिर है जो कि विट्ठल मंदिर की विशेषता है। यहाँ पे हमें रथगलियाँ मिलती हैं, विट्ठल मंदिर में कई प्रकार के हमें रथगलियाँ देखने को मिलती हैं। मंदिर परिसर की ओर एक चारित्रिक विशेषता है रथगलियाँ, जो मंदिर के गोपुरम में सीधा सीधी रेखा में जाती है। अर्थात ये जो जैसे कि मंदिर का जो गोपुरम होता है, अभी हमने देखा था गोपुरम क्या है, उस गोपुरम से ये जो
दतगलियां होती हैं ये पूरी तरीके से एक सीधी रेखा में होती है, एवं इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। ऐसे नहीं कि कच्चे सड़क थे, क्योंकि मंदिर है तो अहम होना चाहिए, इसलिए पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था, और इनके दोनों तरफ मंडप हुआ करते थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। ठीक है, तो विट्ठल मंदिर क्या है? विट्ठल मंदिर महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु देव के अवतार बताए जाते हैं, एवं ये कर्नाटक में पूजे जाते थे। यहाँ पे भी कई प्रकार के सभागार थे। रथ के आकार का यहाँ पे एक अनूठा मंदिर देखने को मिलता है, और यहाँ पे कई तरह की रसगलियां होती थी जो कि इसकी अहम विशेषता रही। आई होप आप समझ गए होंगे विट्ठल मंदिर के बारे में ये पूरी कहानी। तो बेसिकली जब आप धार्मिक केंद्र की बात करोगे तब आप किस किस चीज के बारे में लिखोगे? मंदिरों की विशेषताएं सबसे पहले आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मंदिरों की विशेषता। इन मंदिरों की विशेषताओं में आप ये पॉइंट तो लिखोगे, ठीक है ना, कौन कौन से ये इतने जो पॉइंट हैं ये तो लिखोगे। इसके साथ में ही आप यहाँ पर ये जो गोपुरम वगैरह है इनका भी लिख दोगे, साथ ही साथ विरूपाक्ष मंदिर के बारे में हमने ये जो दो पॉइंट देखे थे सभागार के, ये भी लिख दोगे। और ये इतने जो पॉइंट इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये आप विरूपाक्ष मंदिर के बारे में लिख दोगे। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा विट्ठल मंदिर का भी ये पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे जो जिस पॉइंट पर मुख्यतः कई व्यक्तियों का ध्यान नहीं जाता है उस पॉइंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। विजयनगर में महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन, अर्थात देखो 20वीं शताब्दी में ये जो विजयनगर साम्राज्य था इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा किया गया। यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो पूर्णतः सर्वेक्षण है वो एक तो भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण इसके द्वारा, दूसरा कर्नाटक का पुरातत्व विभाग इसके द्वारा, और संग्रहालय विभाग इसके द्वारा किया गया। क्या? सर्वेक्षण, यानी कि इतिहास की रचना। 1976 में हम्पी को एक राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया। उसके पश्चात 1980 के दशक के आरंभ में कई प्रकार के अन्य अभिलेख हमें देखने को मिले जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि विजयनगर से जो अभिलेख हमें मिले हैं उनकी अधिक सूक्ष्म अध्ययन करके जानकारी हम जो प्राप्त करते हैं उससे यहाँ के महल, मंदिर, बाजार इन सभी का अंकन बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ लगभग 30 वर्ष के काल में, यानी कि 1980 के पश्चात लगभग 30 वर्षों में कई अन्य विद्वान यहाँ पे आए, उन्होंने जानकारी को एकत्र किया, संरक्षित किया एवं उसे बारीकी से समझने के पश्चात महलों, बाजारों और मंदिरों का अंकन यहाँ पे अच्छे तरीके से किया है। बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट है जो विजयनगर के इतिहास की पुनर्रचना के बारे में हमें समझाता है, महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन कैसे होता है। इसी संबंध में एक पॉइंट आ जाता है हमारा। कैसा पॉइंट आ जाता है? मानचित्र सर्वेक्षण, अर्थात मानचित्र का निर्माण कैसे किया गया होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज ये मानचित्र देख सकते हो जहाँ पे कुछ एरियों को अल्फाबेटिकल नाम में बांटा गया है, कुछ को हिंदी नाम दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से एक मानचित्र का निर्माण हुआ। कैसे? सबसे पहला यहाँ पे यह चरण था कि इसे 25 वर्गाकार भागों में बांट दिया, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ए बी सी डी, ये पूरा एक विजयनगर साम्राज्य का एरिया है जिसमें ए बी सी डी इस आधार पर टोटल 25 भागों में इसे बांटा गया। साथ ही साथ जब इसे 25 भागों में बांटा गया तो इसे वर्णमाला का एक अक्षर दिया गया ए बी सी डी ए टू जेड। इस हिसाब से जब इसे वर्णमाला का अक्षर दिया गया तब इसे फिर छोटे छोटे और समूहों में बांटा गया, और उन समूहों को फिर छोटे छोटे इकाइयों में, अर्थात ये जो हमारा एक विजयनगर साम्राज्य है पहले इसे 25 भागों में बांटा गया। ठीक है, फिर इन 25 भागों में से हर एक भाग को एक नाम दिया गया, मतलब एक अक्षर ए दिया गया। अब इस ए अक्षर को फिर से, ये जो ए अक्षर वाला हमारा एरिया है इसको फिर तोड़ा गया, और इसको फिर तोड़ के बारीकी से यहाँ पे अध्ययन किया गया इसका, है ना, ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। उसके पश्चात एक गहन सर्वेक्षण से हमें ये पता चला कि कई हजारों संरचनाओं के अंशों में छोटे छोटे देवी स्थल और कई आवास से लेकर बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनका उजागर किया गया। जैसे कि हजारा मंदिर, लोटस महल, ये छोटे छोटे मंदिर हैं
वो प्रथम सौ मंडप छोटे छोटे विशेषता है, लेकिन बड़े बड़े मंदिर विट्ठल रूपाक्ष मंदिर महानवी डिब्बा बड़े बड़े मंदिर इन सभी का सर्वेक्षण कैसे किया, कहते कैसे इतिहास बनाएगा मानचित्र निर्माण के पश्चात, जिसका अहम योगदान है किसका, कॉलिन मैकेंजी। यहाँ पे एक व्यक्ति थे, एक नहीं और भी कई व्यक्ति हैं बेसिकली, जिनका नाम है जॉन एम फ्रेटर्स, क्या नाम है, जॉन एम फ्रेटर्स, जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराज राव। तो बेसिकली ये मुख्यतः तीन व्यक्ति थे, इन्होंने इस स्थान पर विजयनगर साम्राज्य के स्थान पर कई वर्षों तक कार्य किया और जब समझा तो इन्होंने लिखा, क्या लिखा, कि विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन से हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टैंक, धरण, भीतरी छत, लटके हुए छज्जों के अंदरूनी भाग, मीनारों की पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीली रंगों से चित्रित हुआ करते थे। यानी कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये विजयनगर के इतिहास के संबंध में ये हमें बताते हैं, हम यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, हमने यहाँ पे बहुत ही गहन अध्ययन किया है और हमने अध्ययन में ये पाया है कि जो चीज़ें यहाँ पे नष्ट हो चुकी हैं, चाहे लकड़ी की वस्तुएं हो, स्तंभ हो, टैंक हो, धरण हो, या फिर जो गरीब लोगों के छत हुआ करते थे वो नष्ट हो चुकी है, एवं मीनार का एक पूरी श्रेणी की कल्पना इन्हें खुद ही करनी पड़ती है कुछ आधारों को लेकर जो कि संभवतः नष्ट हो गई। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं हमें अब नहीं मिलती, ठीक है, लकड़ी की संरचनाएं अब हमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन पत्थर की संरचनाएं वर्तमान में अस्तित्व में हैं और यात्रियों के द्वारा छोड़े गए जो वृत्तांत हैं और जो विवरण हैं इसके आधार पर हम उस समय के विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से पुनर्निर्मित करते हैं। बेसिकली विजयनगर के इतिहास निर्माण में मंदिर तथा बाजारों का अंकन किस तरह से होता है और यहाँ पे मानचित्र का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, कंप्लीट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो और इस तरीके से आज की इस वीडियो का ये चैप्टर कंप्लीट हमने यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। एंड आई होप जो टॉपिक्स मैंने आज आपको इस वीडियो में समझाए हैं, जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में भी आया होगा, चाहे वो हम्पी की खोज हो, शासक व्यापारी हो, राजा हो, कृष्णदेव राय हो, इसका पतन कैसे हुआ, नायक हो, अमर नायक प्रणाली हो, या फिर जल संपदा हो, शहर की किलेबंदी हो, सारी चीजें आपको समझा दी, ठीक है। बस मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपनों के दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एवं लाइक जरूर करना इस वीडियो को ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, फीडबैक में या फिर मतलब फीडबैक देना अपना कमेंट बॉक्स में ताकि हमें समझ में आ सके जो हमने आपको समझाया, जो चैप्टर आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।